नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा राजस्थानी लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज अपन आरजीएस का फर्स्ट टॉपिक हिंदी का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले अपन बेसिक देखेंगे, थोड़ा सा सबको बोलना है ऐसे यूट्यूब की तरफ से थोड़ा बोलना है। बोलो आ, सबको बोलना है, वो लॉ वाला एटीट्यूड देखना है। आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ और री। 11 स्वर हैं, 11 दोबारा से बोलना है वो, दोबारा से कमर सीधी कर, दोबारा से बोलो आ, आ। बच्चे की तरफ बोलना, थर्ड क्लास का बच्चे स्टूडेंट समझना है, खुद समझ में आएगी। आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ री। वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर, कमर सीधी, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से फेफड़ों के माध्यम से बाहर होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। यानी मतलब एकदम रिलैक्स हो गया तो आपका इसमें थर्ड क्लास बच्चे तरह समझना है कि एक जो गूंगा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति, गूंगा बोले तो वो भी स्वरों का उच्चारण कर सकता है। जो गूंगा व्यक्ति है वो भी स्वरों का उच्चारण करता है, कर सकता है, आ करता है ना गूंगा व्यक्ति। वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के फेफड़ों के माध्यम से मुख से बाहर होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। हैंड कर लो आप स्वर। लाइट जल रही है? नहीं, ऊपर दो ब्लू दो एक। हाँ दो। वे वर्ण जिनमें सांस, वे वर्ण जिनमें सांस, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। लिखो, स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। लाइन पर लिखने के लिए आया। कमर सीधी कर, तेज बोलना नहीं, चिल्लाना है, बोलना नहीं, चिल्लाना है। स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। नीचे लिखो, मूल स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आ ई ऊ और री। स्वर कितने? 11। स्वर कितने? 11। स्वर कितने? 11। मूल स्वर 4। मूल स्वर 4। मूल स्वर 4। ऐसे जूतों उतार, जूतों उतार, चप्पल उतार, सब चप्पल ऐसे करो, ऐसे करो। ऑन टॉपिक बात चल रही है, मैं कुछ मन से नहीं उतर रहा मैं। ऑन टॉपिक बोलो ओम। क्या बोला? ओम। मुंह से कुछ बोला वो ध्वनि है,
मुंह से कुछ बोला वो ध्वनि है, अपन मुंह से कुछ बोला वो ध्वनि है, वो क्या है ध्वनि। तो वे ध्वनि जिनकी उच्चारण में साधारण ध्वनि की अपेक्षा तीन गुना समय लगे, ए ओम तीन गुना समय लग रहा है ना, तो वे ध्वनि जिनमें साधारण ध्वनि की अपेक्षा तीन गुना समय लगे, क्या लगे तीन गुना समय, उन्हें ग्रहित ध्वनि कहते हैं। कौन ध्वनि कहते हैं? प्लुत ध्वनि, सॉरी प्लुत ध्वनि, क्या कहते हैं? प्लुत ध्वनि कहते हैं उन्हें। देखो प्लुत ध्वनि, प्लुत ध्वनि, कौन ध्वनि? देखो वे ध्वनि, वे ध्वनि, देखो वे ध्वनि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में साधारण ध्वनि की अपेक्षा, साधारण ध्वनि की अपेक्षा, साधारण ध्वनि की अपेक्षा तीन गुना समय लगता है, तीन गुना समय लगता है, कितने गुना समय लगता है, उन्हें उन्हें प्लुत ध्वनि कहते हैं, प्लुत ध्वनि कहते हैं उन्हें। कौन सी, कौन ध्वनि कहते हैं? जैसे लिखो ओम, जैसे क्या लिखो, कमर सीधी करके तेज बोलना है। स्वर कितने, स्वर कितने, मूल स्वर, मूल स्वर, प्लुत ध्वनि कौन सी है, ओम, समझ गए ना। सर ये आरजीएस बनने का सपना, सपना रह जाएगा, ये बेसिक चीज क्लियर नहीं हो तो हो सकता है प्री पास हो जाए बिना हिंदी के, लेकिन मेंस पास नहीं होगा, ये चीज लिखनी पड़ती है मेंस में, क्लियर नहीं बनता था यहाँ। जैसे ये डॉक्टर है, डॉक्टर, डॉक्टर में ये वाली मात्रा कौन सी है, ओ वाली, ओ वाली, ओ ओ क्या, छोटा ओ, छोटा ओ, जैसे ये वाले ना, ये वाली ये वाली, नहीं ये वाली, ऐसा अगर फर्स्ट वाली होते बोलते डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर के पास ऐसे थोड़ी बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, ये ग्रहित ध्वनि है। कौन ध्वनि है ये, ग्रहित ध्वनि, कैसे कैसे ध्वनि है ग्रहित, क्योंकि भाई ये डॉक्टर तो शब्द ही नहीं है हिंदी का, डॉक्टर हिंदी का शब्द थोड़ी है, लेकिन कोई अनपढ़ से अनपढ़ औरत, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी भी ऐसे कभी आदमी आज तक ऐसे बोलता नहीं है, ये चिकित्सक के पास जा रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर। आज तक आपने किसी को सुना है कि मैं कार्यालय जा रही हूँ, ऑफिस, क्या आज तक आपने एक बार भी यूज नहीं किया कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, यूज किया कभी, कॉलेज, क्या? तो वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, उनमें ग्रहित ध्वनि का प्रयोग करते हैं। कौन ध्वनि का प्रयोग करते हैं? ग्रहित ध्वनि। लिखो ग्रहित ध्वनि, ग्रहित ध्वनि, कौन ध्वनि, लिखो वे शब्द जो, वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों आ गए, उनमें ग्रहित ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, ऑफिस, क्लियर क्या? स्वर कितने, स्वर कितने, स्वर कितने, मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, डॉक्टर में कौन सा स्वर है, कौन ध्वनि, ध्वनि कौन सी है, ओम, होता आगे लिखो, होठों की बनावट के आधार पर हैंडल, फास्ट तो नहीं लिखा रहा, होठों की बनावट के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, स्वरों का, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, ऐसे करो, करो
करो, ये तो है वृत्ताकार। क्या है नंबर वन है वृत्ताकार, कौन सा वृत्ताकार, नंबर वन है वृत्ताकार कौन सा, और नंबर लिखना नहीं कुछ भी। नंबर टू है वृत्ताकार, कौन सा कार वृत्ताकार का मतलब होता है, वृत्ताकार का मतलब होता है जिसमें होठों की आकृति गोल हो, और वृत्ताकार जिसमें होठों की आकृति गोल नहीं हो। आपको बताना है मैं बोल रहा हूं किस 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 में हो रही है होठों की आकृति गोल, मेरे साथ साथ बोलना भी आपको, सबको बोलना है। बोलो ए आ ई ऊ ए आई ओ औऊ री। कितना हो रही है, कितने हो रही है, चार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो पहले मेंस इंटरव्यू तो जा चुके क्या, बहुत लिखो वृत्ताकार जितना लिखो वेश्वर वेश्वर जिनमें होठों की आकृति गोल होती है, होठों की आकृति क्या होती है उन्हें वृत्ताकार उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ऊ ऊ ओ औ ऊ ओ। क्लियर है, आगे है अवृत्ताकार स्वर लिखो वे स्वर जिनमें होठों की आकृति इसकी आकृति गोल नहीं होती, होठों की आकृति गोल नहीं होती उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं जैसे ए आ ई ई ए आई और क्या री। समझ गया ना, तेज बोलना है, बोलना नहीं चिल्लाना है। स्वर कितने स्वर कितने, मूल स्वर मूल स्वर, डॉक्टर में कौन सा स्वर है, डॉक्टर में कौन सा स्वर है, प्लस स्वर कौन सा है, प्लस स्वर कौन सा है, वृत्ताकार स्वर कितने हैं, वृत्ताकार सात, वृत्ताकार सात। आगे लिखो नेक्स्ट लिखो जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। नंबर सीधी कर तेज बोलना है, स्वर कितने, स्वर कितने, मूल स्वर, डॉक्टर में कौन सा स्वर है, डॉक्टर में कौन सा स्वर है, स्वर कौन सा है, ब्रूस स्वर कौन सा है, ब्रूस स्वर कौन सा है, ब्रूस स्वर कौन सा है, वृत्ताकार ध्वनि कितनी है, वृत्ताकार ध्वनि कितनी है, चार। वृत्ताकार बहुत जबरदस्त। जीभ के उठने के आधार स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार। ऐसे एकदम रिलैक्स होकर चीजों को समझना है प्लीज। ऐसे आपको एलएलबी आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में होंगे, पहले से नहीं बैठ रहे तो ऐसे ये वाला ये ऐसे आते हो आपने लगाओ ना, जॉइन स्टेम होगी क्या लगाओ, ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कपाल, और ऐसे एकदम देसी सा शब्द बोल दो कोई गाँव से है क्या, तालू, क्या ये तो ऊपर वाला तालू है, ये तो और ये अंदर वाला तालू अंदर भी जाते हैं,
अंदर बता दू एक ऐसे अपन हमेशा आ करता है ना तो ऐसे एक हमेशा हिलता रहता है पीछे क्या बोलते उसको कौवा क्या ऐसे बोले कौवा क्या और एक होता है जैसे सामने वाला फ्रंट वाला दांत है इस सामने वाले मुसुड़ा और इसके पीछे वाले अगर खुली डालेंगे तो वो मुर्दा क्या बात आपको समझ आ गई अंदर वाला तालू पीछे कौवा और आगे वाला मसूड़ा उसके सामने अगर अब देखो इसको तीन प्रकार से अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर वन ये तो हो गया अग्रभाग कौन सा भाग बोलो अग्रभाग कौन सा भाग कौन सा भाग लिखना नहीं अग्रभाग कौन सा भाग और ये हो गया मध्य भाग कौन सा भाग कौन सा भाग मध्य भाग और ये पीछे वाला हो गया पश्चिम भाग कौन सा भाग कौन सा भाग पश्चिम ना कमर से रिलैक्स हो गया सर एटीट्यूड में तो मेरे बहुत ज्यादा घमंडी बैठे ऐसे बोलना है सबको बोलना है सबको इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी पढ़ाना मतलब भैंसो कंप्यूटर सिखाना बोलना है सबको इंग्लिश मीडियम से है कोई बोलो बिल्कुल जीत चुकी से उठ रही है ना ए का उच्चारण स्थान बिल्कुल बीचों बीच से हो रहा है तो मध्य भाग लेना नहीं कुछ भी लेना नहीं क्या अब बोलो आ आ आ आ आ आ मैं जी पीछे मुड़ रही मेरी आप मेरी आप मेरे को दिख रही आपकी आ क्या आ ई ई ई में आगे जा रही थी ई ई आगे ऊ ऊ पीछे ऊ ऊ पीछे ए ए आगे आई आई ओ ओ ओ आउ आउ क्लियर क्या नहीं समझा रट लेना जल्दी से जी मिलेगा योगा देखो नहीं पता चलेगा मध्य भाग मतलब भाग मध्य भाग से ए मध्य भाग से ए मध्य भाग से ए और ये पश्चिम भाग पीछे जा रही है इनमें और इनमें आ गया इनमें क्या रही है तो लिखो आप जीभ के उठने के आधार पर ये लिखा देता लिखा दिया तो नंबर वन लिखो सर मध्य भाग कौन सा भाग मध्य भाग लिखो जीभ बीचों बीच जीभ क्या बीचों बीच से उठती है बीचों बीच से उठती है से उठती है जैसे लिखो अ जैसे आगे लिखो पश्चिम भाग कौन सा भाग पश्चिम भाग लिखो जीभ पीछे की तरफ जीभ पीछे की तरफ किसी तरफ से उठती है जैसे लिखो आ ऊ ऊ ओ औ आ ऊ ऊ ओ औ क्लियर क्या आगे लिखो अग्रभाग कौन सा भाग लिखो जीभ आगे की तरफ लास्ट क्लास कितने बजे होती है कितने बजे तक चलती है नहीं अब वैसे पूरी टोटल क्लास अब मुझे दोपहर में करने को दिक्कत होती है 12 बजे बाद यही सही है लिखो जीभ आगे की तरफ किसकी तरफ आगे से उठती है जीभ के किसकी तरफ है आगे ई ई ई ई ई ई ई क्लियर क्या सर हिंदी का ये नेचर है सब्जेक्ट की प्रकृति है कि आप मैडम एक बार इसको ढंग से पढ़ लोगे ना फर्स्ट टाइम क्या जैसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हो ना कौन कौन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है हिंदी पूछी मैं ना एक बार इसको ढंग से पढ़ लोगे बिना रूटीन तोड़े तो सर पूरी समझ आ जाएगी क्योंकि आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आपका लेफ्ट सेंटर याद मूड नहीं है हिंदी क्लास का फिर आपको कितनी साल में समझ नहीं आएगी फर्स्ट टाइम तो जोश रहता है फिर नहीं रहता वो दागे जोश बना ही नहीं रहता समझिए तो रेगुलर आना है रेगुलर छुट्टी नहीं करनी है इसके बिना नहीं बन पाओगे आप निबंध इसी से लिखा जाएगा
निबंध लिख देना, पर मेंस में निबंध लिखनी, ट्री से बन जाएगी। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? मूल स्वर, मूल स्वर। डॉक्टर में कौन सा स्वर है? मृदु स्वर, मृदु स्वर, मृदु स्वर। वृत्ताकार ध्वनि कौन सी है? चार। कितनी बोल रहा है? बड़े वृत्ताकार, बड़े वृत्ताकार। मात्र लिख दिया, तीनों लिख दिया, अग्रभाग मध्य भाग पश्चिम भाग, तीनों तीनों के आगे लिखो। नेक्स्ट देखो सर, ये एक बेसिक था जो हिंदी वाले स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए। कोई टॉपिक नहीं था, ये कोई टॉपिक नहीं था, आरजीएस में नहीं है टॉपिक, समझ गए? और छोटे एग्जाम्स में होता है वैसे सर, और उसमें इसमें नहीं है, आरजीएस में नहीं है। फर्स्ट टॉपिक अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये तो एक बेसिक था जो विद्यार्थी को आना ही आना चाहिए। पहला टॉपिक आरजीएस का संज्ञा क्या है? संज्ञा। बोर्ड में देखना है, कुछ भी नहीं देखना, बोर्ड में देखना है संज्ञा। संज्ञा इस संसार में जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने अराउंड जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, वो सब संज्ञा है। वो सब क्या है? संज्ञा। ये बोर्ड संज्ञा है, ये ट्यूबलाइट संज्ञा है, ये पोडियम संज्ञा है, ये मोबाइल संज्ञा है, जितने भी लड़के हैं सब संज्ञा है। पर लड़कियां संज्ञा है ना? बूढ़ों जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या वो भी संज्ञा? प्यार संज्ञा है क्या? प्यार महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्यार संज्ञा है। तो वे शब्द जिनसे नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होता है, वे शब्द जिनसे लिखो मिट सा संज्ञा, वे शब्द जिनसे नाम स्थान वस्तु इत्यादि का बोध होता है, इत्यादि का बोध होता है, नाम स्थान वस्तु इत्यादि का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। उन्हें संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। उन्हें संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। लिखो आगे, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं? तीन। नंबर वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखना कि अब बोर्ड पर देखना है। नंबर वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर टू है जातिवाचक संज्ञा, नंबर थर्ड है भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है, वे शब्द जिनसे नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होता है, नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गंगा। राम, हिमालय, गंगा। राम व्यक्ति विशेष है, हिमालय पर्वत विशेष है, और ये क्लियर। उसके बाद राम की जगह आ गया व्यक्ति, हिमालय की जगह हो गया पर्वत, और गंगा की जगह हो गया नदी। ये कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, एक तो हो गया पदार्थवाचक, कौन सा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। कौन सा वाचक? द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं है, मेटल होता है। हाँ, द्रव्य का मतलब ये पदार्थ, जैसे हो गया गुड़, चीनी, दूध, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा क्या है? नंबर टू है इसकी, इसका दूसरा भेद है समूहवाचक। कौन सा वाचक? कौन सा वाचक? समूहवाचक। समूहवाचक में है पुलिस, सेना, झुंड और गिरोह। अच्छा, झुंड में और गिरोह में क्या अंतर है? प्लीज आप लो स्टूडेंट को, गिरोह इलीगल के लिए होता है, झुंड इलीगल नहीं होता। अच्छा, मतलब गिरोह इलीगल होता है? हाँ, गिरोह से बात, गिरोह से बात, और झुंड
कमर सीधी करके तेज चिल्लाना है, बोलना नहीं है। स्वर कितने? स्वर कितने? मूल स्वर, मूल स्वर। डॉक्टर में कौन सा स्वर है? ब्लू स्वर, ब्लू स्वर, ब्लू स्वर। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। कितने भेद हैं? तीन। कितने भेद हैं? तीन। कितने भेद हैं? तीन। नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर टू जातिवाचक, नंबर थर्ड भाववाचक, नंबर थर्ड भाववाचक। भाव वो होते हैं जो जिन्हें हम जो हमें दिखाई नहीं देते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्यार करती हूँ मैं तुमको, ये तो 2 किलो दे करती हूँ, केवल महसूस कर सकते हैं ना कुछ को। आई हेट यू, नफरत करती हूँ मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो उसको केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। भाव में हो गया, क्या हो गया भाव में? अच्छा बुरा ऊंचा और नीचा, ऊंचा और नीचा, क्या है भाव? ये क्या है? ये बेसिक है, ये आरजीएस में नहीं आएगा। अब आरजीएस में यहां से स्टार्ट होगा, जहां से मैं बता रहा हूं ये तो सरल था। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। कितने भेद हैं? तीन। कितने भेद हैं? तीन। नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर टू जातिवाचक, नंबर थर्ड भाववाचक, नंबर थर्ड भाववाचक। अब सर यहां से स्टार्ट होगा आरजीएस का मामला, यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर वन यहां से लिखना नहीं सर, लिखना नहीं प्लीज सर, मैं भगवान के सामने लिखूंगा मैं। देखो नियम ये है सर, फर्स्ट नियम कि आपको बताना है, हाथ में लेना, कितने बच्चे बता सकते हैं विभीषण कौन सी संज्ञा है? विभीषण कौन सी संज्ञा है? विभीषण पहली वाली व्यक्तिवाचक, कौन सा? और रावण? अच्छा बुढ़ापा कौन सा क्या? बुढ़ापा कौन सा? पहले कोचिंग कर रखी है क्या? बहुत मेहनत कर, बहुत इंटेलिजेंट बैच है, ऐसा राज्य कोई बैच नहीं है इतना इंटेलिजेंट। तो सर पहला नियम, फर्स्ट नियम इसका यह है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सदैव एकवचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? मैं बोल रहा हूं कि नियम फर्स्ट ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होगी, संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक। ना जैसे देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, देश में अनेक विभीषण, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। क्लियर क्या? तो ये जो विभीषण है ना, जातिवाचक हो गया। क्लियर क्या? विभीषण आएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा क्या होती है? क्लियर क्या? नंबर टू है, कलयुग में अनेक रावण है, कलयुग में अनेक रावण है, कलयुग में क्या है? रावण कौन हो गया? कौन हो गया? नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होगी, संज्ञा कौन सी हो जाएगी? क्लियर क्या? नंबर टू है, भाववाचक संज्ञा भी सदैव एकवचन में होती है, भाववाचक संज्ञा सदैव, जैसे ही भाववाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा क्या हो जाती है? जातिवाचक। क्या हो जाती है? जैसे नंबर वन, राम में किसमें अनेक बुराइयां हैं, राम में क्या है? राम में अनेक बुराइयां हैं, राम में अनेक बुराइयां हैं, समझ गए ना? तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? समझ गए ना? उसके बाद नंबर थर्ड, आप केवल हाथ पर करना है, वो एडी से बढ़ जाएगा, वार्डियस को डायरेक्ट एडी से बढ़ा देंगे उसको, जो जिसने ही बता दिया। आप बोल रहे हैं महात्मा कौन सा क्या? महात्मा हाथों पर, महात्मा कौन सा क्या? महात्मा, आराम से, महात्मा कौन सा क्या है? महात्मा कौन सा? सब बताओ ना प्लीज ना। महात्मा कौन सा है? आप बता सकते हो? आप शर्मा रहे हो? आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, फिर भी ऐसे कर रही हो। महात्मा कौन सा है? हाँ सर, जातिवाचक महात्मा कोई भी हो सकता है, महात्मा कोई भी हो सकता है।
महात्मा जातिवाचक है, महात्मा कौन सी है? लेकिन नेता ऐसा कोई भी हो सकता है नेता, लेकिन सलमान खान, लेकिन केट ना के व्यक्तिवाचक, कौन सा व्यक्तिवाचक है लेकिन नेता। किसी भी शब्द आरजीएस प्री का जिस दिन पेपर होगा किसी भी शब्द के आगे जी लगा हुआ दिखाई देगा, जी 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 क्या जी लगा हुआ दिखाई देगा तो कौन सा होगा? जातिवाचक। कौन सा? नहीं व्यक्तिवाचक। कौन सा? अगर किसी भी शब्द के आगे जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जैसे किसी भी शब्द के आगे मेरे को जी लगा हुआ दिखाई देगा क्या? जैसे नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी अब नेताजी, नेता तो बहुत सारे हुए, नेताजी केवल एक हुए। कौन 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 हुए? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, कौन सा समझ गए ना? कमर सीधी कर तेज बोला, दाड़ना है बोला नहीं दाड़ना है। स्वर कितने? स्वर कितने? स्वर कितने? मूल स्वर, मूल स्वर। डॉक्टर में कौन सा स्वर है? ब्लू स्वर। कौन सा है? ब्लू स्वर। कौन सा है? किसी भी शब्द के सामने अगर मेरे को जी लगा हुआ दिखा देगा तो कौन सा लिखो तो आप संज्ञा। संज्ञा क्या? लिखोगे संज्ञा? अच्छा संज्ञा की विरोध से कहते थे। नंबर वन लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा क्या? व्यक्तिवाचक। कौन सा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर दोबारा हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना, छुट्टी लेनी, जल्दी खराब हो जाएगी सर जल्दी, फिर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ हाईकोर्ट में मैं बहुत एटीट्यूड रहती थी, क्लास में लेती थी, क्लास नहीं लेती थी मेरी, अब सेशन कोर्ट टाइपिंग करती है सर आप। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डेली आना, डेली रेगुलर आना है। हिंदी को हल्के मत देना, हिंदी को बल्कि हल्के मत देना, और इंग्लिश मीडियम वाले तो कितना ही बड़ा काम हो, हिंदी क्लास नहीं, हिंदी क्लास प्री में काम यही, मेंस में काम यही, सही बनेंगे पूरे, पूरा निबंध, निबंध की कल्पना भी नहीं हो सकती बिना ग्रामर सीखे। क्लियर क्या? लिखो कहा तक हो गया लिखो। वे शब्द, वे शब्द कौन सा? जिनसे, वे शब्द जिनसे नाम स्थान वस्तु, वे शब्द जिनसे नाम स्थान वस्तु, नाम स्थान वस्तु विशेष का, नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होता है, नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होता है, उन्हें उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें कौन से क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या हिमालय, गंगा राम हिमालय। नंबर टू लिखो जातिवाचक संज्ञा। कौन सा क्या लिखो? वे शब्द जिनसे नाम स्थान वस्तु, नाम स्थान वस्तु, नाम स्थान की पूरी जाति का, नाम स्थान वस्तु की पूरी जाति का, नाम स्थान वस्तु की पूरी बोध होता है, नाम स्थान वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे व्यक्ति पर्वत नदी, व्यक्ति पर्वत नदी। लिखो आगे जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं,
जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर वन लिखो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक है कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखो जातिवाचक संज्ञा का वह भेद जातिवाचक संज्ञा का वह भेद जिनसे किसका बोध होता है, जिनसे पदार्थों का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक, उन्हें क्या संज्ञा कहते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं? जैसे गुड़ चीनी दूध, जैसे क्या दूध इत्यादि। नंबर टू लिखो समूहवाचक संज्ञा। समझ आ रहा है ना आपको? यारा लिखो जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का वह भेद जिनसे समूह का बोध होता है, जैसे किसका भेद होता है? समूह का भेद होता है, हाँ मैंने क्या बोल दिया, हाँ बोध होता है, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखो पुलिस सेना क्या पुलिस सेना झुंड गिरोह, पुलिस सेना झुंड गिरोह। आगे लिखो नंबर थर्ड भाववाचक संज्ञा, कौन से क्या भाववाचक संज्ञा। लिखो वे संज्ञा शब्द बात सुनो एक बार बुढ़ापा कैसे को, तो बुढ़ापा क्या क्या बुढ़ापा तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा बूढ़ा आदमी दिख रहा है, बुढ़ापा नहीं दिख रहा, ध्यान करो आप दिमाग पे जोड़ दो। बूढ़ा आदमी दिख रहा है, बुढ़ापा थोड़ी दिख रहा है। बुढ़ापे को केवल महसूस कर सकते हैं ना, और किसको महसूस कर सकते हैं? जवानी को महसूस कर सकते हैं, बचपना क्या? लेकिन बूढ़ा आदमी दिख रहा है अपन को, अपन बोल सकते हैं बूढ़ा आदमी है, तो आदमी तो हो गई संज्ञा, बूढ़ा उसकी विशेषता हो गई। बूढ़ा आदमी जा रहा है तो इसमें बूढ़ा है जो विशेषण है, क्या है? विशेषण। और आदमी संज्ञा है, आदमी क्या है? संज्ञा। लेकिन बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा ये भाव है, क्या है? विशेषण को और भाववाचक संज्ञा को समझ गए ना। नंबर थर्ड लिखो भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे गुण दोष, कौन सा दशा क्या दशा। अवस्था इत्यादि का बोध होता है, इत्यादि क्या होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे लिखो अच्छा बुरा कौन सा ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा ऊंचा, क्लियर क्या? कमर सिर के तीन बोलना है,
संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। कितने भेद हैं? तीन। कितने भेद हैं? तीन। नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर टू जातिवाचक, नंबर थर्ड भाववाचक, नंबर थर्ड भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन होती है और भाववाचक संज्ञा सदैव एकवचन होती है। और अगर जी लगाओ दिखा देगा तो व्यक्तिवाचक। स्वर कितने? स्वर कितने? मूल स्वर, मूल स्वर डॉक्टर में कौन सा स्वर है? फ्लू स्वर कौन सा है? फ्लू स्वर कौन सा है? फ्लू स्वर कौन सा है? संज्ञा और जीभ के उठने के आधार स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? नंबर वन इतना इंटेलिजेंट बैच में नहीं पढ़ा, बहुत सारे लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैं बहुत इंटेलिजेंट बैच रैंक की लड़ाई केवल रैंक के लिए लड़ रहा हूँ। भाववाचक लिखो ना अगला नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट। ये जब बंद हो जाएगा जब अपनी रिकॉर्डिंग तो मैं आपको एक बुक बताऊंगा, बुक आपको खरीदनी है आज ही है ना। और कौन सी बुक नहीं खरीदी वो भी मैं इसमें बता नहीं सकता आपको, अगर वो बुक आपके रूम में भी हुई तो आप दोबारा भी लेंगे। गवर्नमेंट बुक खरीदनी, क्या खरीदनी है? गवर्नमेंट बुक खरीदनी है जो 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण रचना और प्रबोध आती है स्कूल की। किसकी? राजस्थान बोर्ड। कौन सी बुक? राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की बुक खरीदनी है आपको, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। वो बुक खरीदनी है, उसी को पढ़ के आप पास हो जाएंगे। बहुत अच्छी सी बुक है, बहुत छोटी सी, बहुत सरल पेपर आता है, बहुत सरल पेपर आता है। नहीं उसको पता है कि वो लॉ स्टूडेंट है हमारे साथ, निर्दयता नहीं करता तो अपन बहुत बड़ी बुक पढ़ लेते हैं ना, उसके लेवल से अपन जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। वो वैसे वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है वो, मैं सत्य शर्मा से क्लियर क्या बताऊंगा मैं आपको। अब अगर वो आपने आप है तो नहीं हिंदी की बुक है तो नहीं देखो मेडिकल निकल रहा हूँ क्या फर्स्ट देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट में लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कौन सी क्या सदैव एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, किस परिवर्तित होती है? बहुवचन में परिवर्तित होती है संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। संज्ञा क्या रहती है? जातिवाचक हो जाती है। जैसे लिखो देश में, किसमें? देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, देश में कौन पैदा हो गए? अनेक विभीषण पैदा हो गए, देश में कौन पैदा हो गए? अनेक विभीषण पैदा हो गए। विभीषण के नीचे लाइन मारो, कहां पे लाइन मारोगे? नंबर टू लिखो राम में अनेक बुराइयां हैं, राम में अनेक बुराइयां हैं, राम में क्या है? अनेक क्या है? बुराइयों की लाइन मारो। नंबर टू लिखो नियम सेकंड, ओ दो दुनिया हो गए ना, ये मैं गलत लिखा दिया, राम में नहीं बुराइयां हैं, ये गलत दिखा दिया मैं, इसको काट देना यहां पे, क्रॉस कर देना, छोटा सा क्रॉस कर देना, लड़की बहुत ध्यान से पढ़ ली है। राम में नहीं बुराइयां हैं, राम में एक नियम टू लिखो, नियम टू लिखो बेटा, क्या लिखोगे? भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे ही भाव, जैसे क्या? भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं, जैसे ही भाव किस में परिवर्तित होते हैं? बहुवचन में परिवर्तित होते हैं संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। संज्ञा क्या हो जाती है? जैसे लिखो राम में अनेक बुराइयां हैं, राम में क्या है? अनेक बुराइयां हैं और
राम में अनेक बुराइयां हैं, आगे लिखो ऊंचाइयां देखनी हैं, ऊंचाइयां देखनी हैं, ऊंचाइयां देखनी तो हिमालय की देखो, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। इसको बंद करनी है रिकॉर्डिंग, ना जाऊं मैं जाऊंगा। करते हो गया राम में हिमालय की देखो। नंबर थर्ड लिखो, नियम थर्ड, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, मूल स्वर, मूल स्वर, डॉक्टर में कौन सा स्वर है, कौन स्वर, ब्लू स्वर कौन सा है, ब्लू स्वर कौन सा है, जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थर्ड, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव, भाववाचक संज्ञा सदैव, भाववाचक संज्ञा सदैव, भाववाचक संज्ञा सदैव, भाववाचक संज्ञा सदैव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। कल अपन को कौन सी किताब खरीदनी है सर, रूल थर्ड नहीं लिखा है।